हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और आपका वेलकम है आपके अपने चैनल साहिलिस्टिक पर। अगर आपकी उम्र 20 से 30 के लगभग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको जिताने के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ। तो जानने के लिए लगे रहिए मेरे साथ। अगर आप 20 से 30 की उम्र में मोटापे की शिकार हैं या आपका मोटापा बढ़ रहा है तो बेशक ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। कैसे, सीधी बात में समझाता हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 15,000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद दावा किया है कि अगर आप 20 से 30 की उम्र में ओवर वेट हैं तो आपकी भविष्य में याददाश्त घट सकती है। यहाँ दावा अमेरिका के रिसर्चर ने 15,000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद किया है। रिसर्चर का कहना है कि मोटापे से जूझ रहे युवाओं में हार्ट डिजीज का खतरा बना रहता है, जिसका असर आगे चलकर दिमाग पर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे युवा जो मोटापे से जूझ रहे हैं, इनकी बॉडी में मास इंडेक्स और ब्लड प्रेशर कम उम्र में बढ़ा हुआ होता है। शरीर में चर्बी और ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग पर 2 गुना तक बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 5 गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है युवा अवस्था में ही मोटापे को कंट्रोल करना। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की न्यूरोलॉजिस्ट क्रिस्टिन यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप युवा अवस्था में मोटापे को कंट्रोल करते हैं तो भविष्य में पड़ने वाले दिमाग पर बुरे असर को रोका जा सकता है। इसके लिए बेहतर है बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। उनका कहना है कि किसी भी उम्र में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सोचने समझने की क्षमता पर असर डालता है। डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं, इस उम्र में इस पर ध्यान न देकर इसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए फिट रहकर कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। और मैं नहीं चाहता आप ओल्ड एज में मार्केट जूस लेने जाओ और पानी की बोतल उठाकर लाओ। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार का अचार बनाइए और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए। थैंक यू।